जी हाँ। देखो रोल जैसा आपने बोला मेरी सेकंड फिल्म है, इतनी बड़ी जय हो के बाद अब संतोष शुक्ला नजर आएंगे देसी कट्टे में। उसमें और इसमें फ़र्क है थोड़ा, और वो फ़र्क ये है कि जय हो में आई वॉज व्हेन आई एंटर्ड ही वॉज अ ह्यूज गाय, इविल, नेगेटिव आउट एंड आउट, देन लास्ट में एक जर्नी दिखा दिया, पॉजिटिव हो गया। बट आई थिंक दिस इज़ द फिल्म आउट एंड आउट नेगेटिव, नो पॉजिटिविटी एट ऑल। बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा ही डेंजरस किस्म का आदमी है। मैं यूपी का हूँ, लखनऊ शहर का, तो मुझे जो अट्रैक्ट किया जब मैंने कहानी, ये लोग मेरे पास आए जब फिल्म का प्रस्ताव लेकर के कि हम चाहते हैं आप ये किरदार आप निभाएं, तो जो बेस्ट मुझे जो अट्रैक्शन था वो ये था कि ये यूपी में एक शहर है कानपुर, कानपुर का मशहूर गैंगस्टर बबलू चौधरी, ये रोल उसका है। तो मुझे जो है वो एक अंदर से पेट में, यू नो, आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक कि नहीं यार ये रोल तो मुझे करना चाहिए, बिकॉज मैं अपनी मिट्टी का रोल है, ये वो रोल है जो हम वो अपने यूपी में जैसे बात करते ना, कहा हो गए बे, अब ऐसा का देख लिया, पतलून ढीली हो रही बेटा तेरी, ये अभी बात सुन, साला सरकार चाहे जिसकी भी हो, राज तो बबलू चौधरी करेंगे बेटा। तो ये जो है एक दबंग अंदाज और एक आउट एंड आउट नेगेटिव और एक यूपी की भाषा वाला होता है ना, कहोगे बे तुमको क्या अच्छी लग रही बे, साले हमारा आइटम है बे, उस पर नजर डाली ना तो कट्टे का जितना लोहा है ना हम अंदर डाल देंगे। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने कहा कि ठीक है आई एम ऑन। और आनंद कुमार जो हैं वो बहुत ही अच्छे टेक्नीशियंस हैं, ही इज़ अ सुपर टेक्नीशियन, ही इज़ अ सुपर डायरेक्टर एंड ही इज़ अ आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। मुझे इंसान बहुत अच्छे लगे और बड़ा मज़ा आया यूनिट के साथ काम करके, सो अच्छा है। दूसरा मुझे लगता है आप एक प्रश्न मुझसे पूछना भूल गए हैं, या क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इतने इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो आपके माइंड से निकल गया है, वो ये है कि संतोष जी आपका लुक चेंज हो गया है सर, वो कहाँ गए लंबे लंबे बाल, वो जटाएँ, जटाधारी बाबा, हर हर महादेव, भोले की फौज करेगी मौज, क्या हो गया, ये लुक चेंज हो गया सर, ये एक हफ्ते पहले की बात है। सलमान भाई ने जो है वो बाल काट दिए मेरे, एंड ही एक्चुअली गॉट पिस्ड ऑफ, बहुत नाराज़ हो गए कि मैं तो जय हो से निकल के किक में चला गया, मैं गाने भी गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप वहीं किक में, वो जय हो में अटके हुए हो, जय हो से बाहर निकलो बाबा, दुनिया आगे है और काम है। तो मैंने कहा ठीक है सलमान भाई, आपका आदेश सिर आँखों पर। ही इमिजिएटली कॉल्ड आलिम के वहाँ इमरान, जो उनके पर्सनल हेयर ड्रेसर है, इमरान को बोला कि इसके बाल काटो, छोटे करो, टकला करना है टकला करो, बट इसको एक घंटे बाद घर भेजो चेंज करके। तो फिर एक घंटे बाद जो है वो मैं गया, मैंने थोड़ी शाणापंथी करी, बाल थोड़े थोड़े कटवाए, बोले ये क्या हो गया, तो जुनून का राहुल रॉय बन गया है। तो वो भी बड़ा खूबसूरत हेयर स्टाइल था, बट फाइनली फिर ये हेयर कट हुआ, अभी ये हेयर कट आ गया है, और दो या तीन महीने बाद मैं सलमान भाई के साथ एक नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ। उस फिल्म की कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूँ। टैन टैन, ये मैंने मीडिया को एक दे दिया है सवाल, ताकि अभी मीडिया जो है वो सोचे और सोचती रहे कि वो कौन सी फिल्म है और ये लुक किस फिल्म के लिए है, और आखिर क्या था वो राज जो संतोष शुक्ला ने हमसे छुपाया।